श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास पूजा करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य भी किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:30 पर होगी और इसकी समापन तिथि 23 नवंबर रात 9:01 पर होगी। देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और देवउठनी एकादशी व्रत का पारण समय 24 नवंबर सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 तक रहेगा। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी किया जा सकता है और इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। अब आपको मैं देवउठनी एकादशी के दिन की पूजा करने की सरल विधि बताने वाली हूँ। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी घर में साफ सफाई करें और पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें और पूजा में व्रत कथा पढ़े और भोग लगाकर आरती करें। व्रत का पारण अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं और रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और संघ, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं। तुलसी का पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आह्वान करें और तुलसी का दशाक्षरी मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा और घी का दीप जलाएं और धूप दिखाएं, सिंदूर, रौली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र पहनाकर उसको सुशोभित करें और फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर का पाठ पढ़ें और तुलसी के चारों ओर दीप दान करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों।